नाम में बयान करती हूँ। मोहतरम सामेईन व सामेआत, मुअल्लिम व मुअल्लिमात बागोर कल्ब समाअत फरमाएंगे और ज़हन नशीन की भरपूर कोशिश करेंगे। नंबर एक, कुर्बानी करने से पहले नियत खलूस हो, तकर्रुब इलाही हासिल करना। नंबर दो, कुर्बानी का जानवर हलाल रुपये से खरीदना। नंबर तीन, कुर्बानी का जानवर तमाम अयूब से साफ सुथरा हो, मसलन। नंबर चार, मोटा और खरबा हो। नंबर पाँच, सींग टूटा हुआ ना हो। नंबर छह, मुसन्ना हो यानी दाता हो, अलबत्ता एक ज्यादा बेगैर दाता दम्बा और पेट चलेगा। नंबर सात, नाक कान आगे या पीछे से कटा हुआ ना हो। नंबर आठ, बिल्कुल कमजोर ना हो। नंबर नौ, कुर्बानी जवाब करते वक्त तेज छुरी हो। नंबर दस, कुर्बानी का जानवर जवाब करते वक्त दूसरे जानवर के सामने जवाब ना करे। नंबर ग्यारह, कुर्बानी का जानवर ईदगाह में जवाब करना मुस्तहिब है। नंबर बारह, कुर्बानी का गोश्त जहाँ तक हो सके तकसीम करें, बाकी जमा रखें, उनका कोई हद मुतय्यन नहीं है। नंबर तेरह, कुर्बानी जानवर का चमड़ा दिलावत के बाद घर में चटाई का काम ले सकता है। नंबर चौदह, कुर्बानी करने से पहले नमाज ईद अदा करें। नंबर पंद्रह, ईद की नमाज में अजान इकामत ना कहे। नंबर सोलह, पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। नंबर सत्रह, कुर्बानी का जानवर क़िबला रुख लौटाए तो बेहतर अफजल होगा। नंबर अठारह, कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक्त इसके पैरों पर पैर रखे। नंबर उन्नीस, बेनमाजी कुर्बानी ना करे, इसलिए इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। नंबर बीस, कुर्बानी औरत भी कर सकती है। अब आखिर मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ, अल्लाह ताला हम सबों को मजबूरा शर्तों पर अमल करने की तौफीक।